तो फ्रेंड्स आज मैंने माचिस का एक बम बनाया जो कि यार कुछ इस तरीके का दिखता है और काफी यूनिक है फ्रेंड्स, काफी अच्छा काम करता है। चलिए फटाफट देख लेते हैं आखिर ये बनता कैसे। तो फ्रेंड्स इस बम को बनाने के लिए आपको मैच बॉक्स की जरूरत पड़ेगी, माचिस की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे आप कोई सा भी माचिस ले सकते हो। अब बस वही स्टेप है यार, इसके मसाले इसके बारूद को अलग कर लेना है। आप या प्लास की हेल्प से इसे अलग कर सकते हो या फिर चाकू की हेल्प से अलग कर सकते हो आसानी से। तो फटाफट मैं अलग कर देता हूँ। और फ्रेंड्स मैंने इतना बारूद इकट्ठा कर लिया है जो कि 4-5 पटाखे बनाने के लिए काफ़ी है। तो इसे अब हम पीस कर और बारीक पाउडर बना लेंगे। तो फ्रेंड्स ये जो स्टेप है पाउडर बनाने वाला ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आप अच्छे से कर लेना। और फ्रेंड्स मैं यहाँ ले रहा हूँ मेटल स्ट्रो का टुकड़ा, तो ये मेटल का है फ्रेंड्स, तो हमें मेटल का यूज़ करना है। ये आपको पुराने रेडियो में से मिल जाएगा, जो रेडियो के एंटीना होते हैं वहाँ से आप निकाल सकते हो, या फिर बेसिन के ऊपर जो रेक लगा हुआ रहता है फ्रेंड्स शीशा का, उसमें से भी आप निकाल सकते हो, वहाँ भी रहता है। तो इसे हमें ले लेना है फ्रेंड्स, और इसे हमें एक साइड मोड़ कर और अच्छे से सील कर देना है। तो देख सकते हो फ्रेंड्स सारे में ऐसे ही हम मोड़ लेंगे कुछ इस तरीके से, प्लास की हेल्प से आप मोड़ ले साइड से और चारों में ऐसे ही मोड़ लेंगे। और फिर हम इसमें माचिस का बारूद है उसे भरेंगे इसके अंदर। तो चलिए अब एक एक करके माचिस के बारूद को इसमें भरते हैं। सिंपली आप इस तरीके से माचिस के बारूद को भर सकते हो बहुत ही आसानी से। इसमें आपको पूरे फिल कर देने हैं और थोड़े से आपको गैप छोड़ने फ्रेंड्स, ताकि आगे ऊपर के साइड में हम मोड़ सके। तो देखिए पूरा भर चुका है और इतना मैंने गैप छोड़ा था, अब इसे इधर से भी मोड़ देते हैं। तो ये फ्रेंड्स दोनों साइड से पूरी तरीके से पैक हो चुका है, पूरी तरीके से सील हो चुका है और इसे हम रख देते हैं। ये एक पटाखा तैयार हो चुका है फ्रेंड्स, दूसरे और बाकी सारे पटाखे को यही स्टेप से हम कंप्लीट करेंगे। तो देख सकते हो फ्रेंड्स मैंने 4 पटाखे वही स्टेप से कंप्लीट कर लिया है। अब मैं इसे सुंदरता बढ़ाने के लिए, इसे सजाने के लिए टेप लपेट दे रहा हूँ दोनों साइड, ताकि ये काफ़ी अच्छा दिखने लगेगा। तो देख सकते हो फ्रेंड्स ये मैंने 4 पटाखे तैयार कर लिए और काफ़ी अच्छे दिख रहे हैं यार, मैंने टेप वगैरह सारे लपेट दिए। चलिए इसे जला कर देखते हैं फ्रेंड्स कि ये काम कैसे करते हैं। ये काफ़ी यूनिक तरीका है फ्रेंड्स पटाखा बनाने के, और काफ़ी इजी तरीका है। तो मैं ग्राउंड में आ चुका हूँ फ्रेंड्स, और इसके लिए आपको सिंपली आग जलाने होंगे। तो आप प्लास्टिक का टुकड़ा ले सकते हो या फिर कोई भी पेपर वगैरह का टुकड़ा ले सकते हो, तो कहीं पर भी सिंपली आपको आग जला लेने हैं और इसमें ये पटाखे डालकर और आपको पीछे हट जाने हैं। तो थोड़ी देर ये गर्म होगा और फिर ये अपना काम करेगा, फिर ये ब्लास्ट होगा। चलिए देखते हैं। तो देख सकते हो फ्रेंड्स ये कुछ इस तरीके से फटता है। चलिए मैं दूसरा पटाखा डाल के दिखाता हूँ आपको, थोड़ा सा वेट करते हैं क्योंकि ये थोड़ा हीट होता है, फिर उसके बाद ये फटता है। तो देखा फ्रेंड्स सेकेंड वाला भी फट गया और इसका आवाज भी काफी अच्छा खासा है फ्रेंड्स। चलिए ये थर्ड वाला डाल के देखते हैं। देख सकते हो यार इसने तो पूरी आग ही बुझा डाली। आई होप फ्रेंड्स आपको ये यूनिक आइडिया पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना यार, और चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी ऑसम कंटेंट पाने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में कोई नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज़।